नोएडा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में देश के 21 प्रदेशों से फाइटर्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें मथुरा के 24 फाइटर्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए मथुरा के 21 फाइटरों ने पदक प्राप्त किए। साथ ही सूची में उत्तर प्रदेश के टीम नंबर एक पर रही। वहीं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए कोच सोनू निषाद ने बताया कि इस खेल का जन्म भारत में ही हुआ है और सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में अलग अलग नामों से प्रैक्टिस की जाती रही है। वहीं चंद्रवीर सिंह ने बताया कि ये कला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है तथा शरीर को चुस्त फुर्त के साथ साथ एक जबरदस्त युद्ध कला देती है। कुछ समय पूर्व तक कुछ लोग इसका नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज इस अद्भुत कला का विस्तार पूरे देश में हो रहा है और ब्रज क्षेत्र में बच्चों के माता पिता इस कला की ओर अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, जो कि बच्चों की सहायता के लिए आवश्यक है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सोनू निषाद है। अच्छा, कौन सी एकेडमी चलाते हैं आप? सर फाइटर्स एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, फमा एकेडमी है हमारी, जिसको हम लोग रन करते हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट प्लेसेस पे स्कूल्स में हमारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट अभी आप जो है ट्रेनिंग मथुरा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग लगाएं तो अलग अलग ब्रांचेस को करके हमारे करीब 300 के समथिंग बच्चे हैं हमारे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में, जो अलग अलग जगहों पे। अच्छा, तो कहाँ अभी आपने कहाँ गेम खेला था आपके स्टूडेंट? सर अभी ग्रेटर नोएडा में द रॉयल चैलेंजेस कप ट्रेडिशनल शोतो का ही कराटे फेडरेशन इंडिया के थ्रू नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मथुरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अच्छा, तो कितने स्टूडेंट आपके वहाँ खेलने गए थे? हमारे 24 स्टूडेंट्सों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, तो कितने स्टूडेंटों ने मेडल या ट्रॉफी वगैरह जीती? हमारे स्टूडेंट में करीब 21 स्टूडेंट्स ने हमारे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिक्सअप करके मेडल्स अर्जित किए हैं, जिसमें कि एक हमारी टीम से सपना सोलंकी ने ओपन चैलेंज ओपन हुआ था जूनियर ओपन, उसमें फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी भी उन्होंने हासिल की है। अच्छा, तो अभी आपकी क्या उम्मीदें हैं इन बच्चों से? अभी सर ये तो अभी नेशनल हुआ है, अभी तो हमारी उम्मीदें हैं कि हम बच्चों को तैयारी कराएं अच्छे से, और नेशनल के बाद में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं, उनमें उनको पार्टिसिपेट कराएं उसके बाद में ओलंपिक्स में हमारी कोशिश है, अगर बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और हमारी कोशिश है उनको कराने की तो ओलंपिक्स तक पहुँचाने की, गेम एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ तक हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, हमारी कोशिश सही है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम एकलव्य है। एकलव्य बेटा, कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? फाइटर्स एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट। अच्छा, अभी आपने कहाँ गेम खेला था? नोएडा। नोएडा में क्या गेम खेला था बेटा आपने? कराटे। कराटे, कराटे में क्या आपको कोई मेडल मिला या ट्रॉफी मिली, क्या मिला आपको? मुझे सिल्वर मेडल।